कोरोना से निपटने के लिए जारी लॉकडाउन में पर्यटकों से गुलजार रहने वाली हरी भरी वादियों में वीरांगनी छाई हुई है। हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ है। हम बात कर रहे हैं टिहरी जनपद के विहंगम पर्यटक स्थल धनौल्टी, कानाताल, कद्दूखाल और कोडिया फॉरेस्ट की, जिन वादियों में पूरा साल सैलानियों से गुलजार हुआ करता था। गर्मियों के दिनों में तो इन पर्यटक स्थलों का दीदार करने के लिए भी भारी संख्या में सैलानी पहुंचते थे। लेकिन इस वक्त पूरे विश्व और देश में हालात ऐसे हो गए हैं कि इन हरी भरी वादियों वाले पर्यटक स्थलों पर बने होटल, रिजॉर्ट और कैंप में पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। हमारे यहाँ पे खुद का अपना भी बिजनेस है, दुकानें हैं, काफी सारी शॉप्स हैं। यहाँ से हमारा जो पूरा गांव है पूरा एक्चुअली पर्यटन क्षेत्र में आता है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं, पूरी सड़कें सूनी हैं, दुकानें सब ऐसी हैं, कोई व्यापार चल नहीं रहा है कोविड-19 की वजह से। और इसी वजह से जैसे कि आप देख ही रहे, इसमें पर्यटनों की पूरी बाहर रहती थी, पूरे गुलजार रहते थे, आते रहते थे, बहुत सारे लोग आते थे दिल्ली से, मुंबई से, देहरादून से। जैसे कि यहाँ का लोकल पर्यटक था हमारा ऋषिकेश, देहरादून, वो भी पूरा बैन हो चुका है। इन पर्यटक स्थलों में पर्यटकों के आने से जहाँ स्थानीय लोगों को खूब रोजगार मिलता था, वहीं होटल्स, रिजॉर्ट, कैंप भी पर्यटकों से खचाखच रहते थे। वहीं पर्यटकों के आने से स्थानीय लोगों की दुकानें और स्थानीय उत्पादकों की भी बिक्री होती थी। लेकिन इस बार होटल व्यवसायों और स्थानीय लोगों पर इस वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हुए लॉकडाउन के कारण रोजी रोटी का संकट गहरा गया है। पहले बहुत बढ़िया था, रोजगार चलता था लोगों को, पर्यटक लोग आते थे, दुकानदारी चलता था, बिजनेस चलता था, और ये होटलों में काम चल रहा था, लोगों में टेंट फेंट बन रहे थे, तो मजदूर लोग भी दिहाड़ी मजदूरी इधर उधर लोकल लोग भी सभी काम में लगे हुए थे। आज की डेट में सारे लोग घर बैठ गए भूखे प्यासे, समझो फिलहाल जो घर में है क्या इस इलाके में, 1 किलो आलू तक नहीं है। काफ़ी क्या बहुत ज़्यादा पड़ा, आगे स्थिति तो बहुत ख़राब होने की उम्मीद है। अब ना फलाना आलू ये लगा लो, आपकी जेठ को मैं लगाने वालों अभी तक जमी नहीं है, तो होनी कब होगी। ये विहंगम पर्यटक स्थल जितना घने देवदारों और बांज बोरांस के बीच बसा हुआ है, उतना ही जैव विविधताओं से भरपूर है। इसी वजह से हर साल यहाँ पर्यटक इन वादियों का दीदार करने के लिए पहुँचते थे। लेकिन पूरे विश्व भर में इस भयंकर महामारी के कारण सब कुछ ठप पड़ गया। अब होटल, कैंपिंग, साहसिक खेलों और स्थानीय कारोबारियों पर इसका सीधा असर पड़ा है। लेकिन स्थानीय कारोबारियों और होटल कारोबारियों को उम्मीद है कि जल्द ही देश को इस महामारी से निजात मिल सकेगी और एक बार फिर से सभी तरह के कारोबार की शुरुआत हो सकेगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए टिहरी से सूर्य प्रकाश रमोला की रिपोर्ट।